आयुर्हरति वै पुंसाम् उद्यानस्तं च जन्मसौ तस्सर्ते यच्छनो नीतो उत्तमश्लोकवार्तया आयुर्हरति वै पुंसाम् उद्यानस्तं च जन्मसौ तस्सर्ते यच्छनो नीतो उत्तमश्लोकवार्तया गौरी गोष्ठी भवति श्रीशील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ने भगवान परमहंस जगत गुरु जी ने बताया हम लोग ये जगत में ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे, जल्दी से जल्द इस जगत से जाना है और चले जाने का पहले अगर हमारा नित्य जीवन क्या है, शरीर छोड़ने के बाद हमारा नित्य जीवन बोल के कुछ है कि नहीं और जो जिंदगी गुजार लिया यही काफ़ी है, ये सब बारे में प्रश्न उदित होना उचित है। अगर ऐसा प्रश्न नहीं है तो इसको आदमी का अंदर गिनती नहीं किया जाए। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है तो इसको आदमी का अंदर गिनती नहीं किया जा सकता। आहार नित्य भय मैथुन समान्न में तत् पशु भी नरान ज्ञान विशेष अधिको नरानम ज्ञान नहीं ना पशु भी समान। दिन भर जड़ जगत का जो रनक है, जो आनंद है, जड़ जगत का आनंद, इसी को लेकर मस्त है आदमी सब। भागवत जी महापुराण का जो श्लोक बताया आयुर हरति वै पुंसम उद्दन स्तंच जन्नसौ तस्सर्ते यत् खनो नीतो उत्तम श्लोक वार्तया। सूरज भगवान हर रोज उदित और अस्त होते रहते हैं, कभी उदित इसके बाद अस्त होते होते हर प्राणी का आयु हरण करके ले जा रहे, हर प्राणी का आयु हरण करके ले जाते। किंतु जो लोग सर्व मंगलमय परमेश्वर परात्पर अखिलेश्वर भगवान का कथा चर्चा लेके रहते हैं, इन लोगों का समय का दुरुपयोग नहीं हो सकता। एलो का समय का दुरुपयोग नहीं हो सकता, एलो का आयु हरण नहीं कर सकता, एलो का आयु का हरण करना संभव। आयुर हरति वै पुंसम उद्यानस्तंच जन्नसौ तस्सर्ते यत्क्षणो नीतो उत्तम श्लोको हो वार्तया। भगवान का कृपा नहीं होने से गुरु रूपे कृष्ण कृपा करें भक्तगण, भगवान का कृपा गुरु वैष्णव का माध्यम जब जीवों को ऊपर नहीं आते हैं तब तक ये 14 भवन का चक्कर काटना ही काम है, इसके अलावा कुछ नहीं। भगवान अगर गुरु वैष्णव का रूप लेकर जीवों को दया कर दी तो हरि सेवा करना संभव है, नहीं तो अपना मनमानी जड़ व्यवस्थित पैसा का बल पर, शरीर का ताकत का बल पर, मैन पावर मनी पावर का बल पर भगवान का बुद्धि का बल पर भगवान का भजन संभव नहीं होता। नहीं तो 14 भुवन घूरते रहो, 14 भुवन में 14 पुरुषों का साध नहीं है, क्षमता नहीं है, इतना करोड़ों अनगिनत हंगामा को साइट करते हुए, इतना काउंटलेस हंगामा को समाप्त करते हुए, वा समाप्त मतलब उसको हटाते हुए और उसको अवॉइड करते हुए हरि सेवा करना संभव है। काउंटलेस प्रॉब्लम प्रभुपाद कह रहे हैं, हरि सेवा एक मजे का विषय नहीं है,
हरि सेवा इज नॉट ए मैटर ऑफ जोक। जन्म नामक जोशित मैं ऊंचा खानदान में पैदा हुआ, इसका भी भोग, मैं ऊंचा खानदान में पैदा हुआ, गुरुजी से भी मेरा खानदान ऊंचा है, ये जो भोग जोशित संग अर्थात मेरा ऊंचा खानदान में पैदा होना जो विषय है इसको भी भोग करना चाहे, मैं भोग करना चाहे तो जन्म नामक एक जोशित है, ऐश्वर्य तो है ही है, ऐश्वर्य नामक एक जोशित है, पांडित्य तो ज्ञान बहुत सारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, ये तीसरा किस्म का जोशित है और देखने में अच्छा है, सौंदर्य नामक जोशित संगो हमारा होते ही रहते, ये होते ही रहते। ये तमाम जोशितों को गोपीजनों वल्लभ का सेवा में लगाने का जो टेक्निक है, टेक्निक वो अगर हमको मालूम नहीं है तो ये जोशी संघ का चक्कर में फांस नहीं पड़ेगा, फांस नहीं पड़ेगा, इसका बाहर कोई नहीं जा सकता, किसी बाप का हिम्मत नहीं। भगवत संपर्क लेकर हर चीजों को दर्शन करना जरूरी है। भगवत संपर्क लेकर दर्शन करे तो अच्छा है, इनके विपरीत दर्शन का बदले में जो दर्शन है इसका नाम है माइक दर्शन, माया दर्शन। भगवत संपर्क में तमाम चीज़ों को भगवत संबंध में दर्शन करना एक चीज़ है, और दूसरा है माया का संबंध में दर्शन करना, इसका नाम है भोग्य बुद्धि जगत दर्शन, जिसका नाम है योषित दर्शन। इनमें तरह तरह का मुसीबतें झेलनी पड़ेगी। भगवत सेवक होने का बदले में जगत का प्रभु होने का इच्छा पैदा हो जाएगा हृदय में, भगवत सेवक होने का बदले में अंदर में जगत का प्रभु होने का वासना हृदय में जागृत हो जाएगी। इस जगत का इतिहास क्या है, ये जगत का केस हिस्ट्री क्या है, ये जगत का विचार है, हर व्यक्ति अपने को समझता है कि मैं प्रभु शेब्बो, हर व्यक्ति इसका नाम है अवैष्णवता। शेब्बो और सेवक का साथ संयोग होना इसी का नाम भक्ति व सेवा। हम दूसरे का सेवा लेंगे, दूसरे सब हमारा सेवा करे, ये अभिमान होने से सेवा, भगवत सेवा कदापि संभव नहीं। सेवक छोड़ के कौन सेवा करेगा भगवान का? हम अगर चैलेंजिंग मूड लेके भगवत कथा श्रवण करे, भगवान को दर्शन करे, कीर्तन करे, स्मरण करे, ये तो कौर्मी का विचार है। एक व्यक्ति हरि कथा सुनने में बैठा है लेकिन चैलेंजिंग मूड, क्या बोलता है देखे ना, छागल। ये जो हम करता, मैं सोता हूँ मैं सुन लेंगे, ऐसा करता हो के जो श्रवण करने का बहाना है, दर्शन करने का बहाना है, कीर्तन करने का बहाना है, स्मरण करने का बहाना, ये सारे कुर्मी लोगों का विचार, अभक्तों का विचार। जब अपने आप कर्तृत्व अभिमान को फेंक कर परित्यक्त पूर्वक जितना सारे तमाम चेष्टा भगवत सेवा में नियुक्त कर सकेंगे तो जब ही आगे चल के मेरे को सुविधा हो सकता। भगवत सेवक 24 घंटा भगवान का सेवा में लगे रहना चाहता है, और कोई दूसरा विचार है? भगवत सेवक का काम क्या है? भगवत सेवक का काम है साधु संघ में 24 घंटा भगवान का सेवा करने का इच्छा।
हम लोग सर्वांगीण रूप से भागवत पाद पद में निर्भर करें तो अच्छा है। सर्वांगीण रूप में भगवत चरण में ही विश्वास करें, दूसरा चीज पर विश्वास ना करें, ये करना जरूरी है। तमाम विपद या समस्या का मीमांसा भगवान का विधान, भगवान क्या बोल रहे इसे कहो। अगर बाहरी विचार में मुसीबत है ये भी भगवान की कृपा है। ज्ञान प्रयास मुदपाश्च नमंती ये विचार में अवस्थित होना जरूरी है। सो भगवत सेवा हम लोग भगवान का सेवा साधु संग में 24 में 24 करना घंटा करना चाहता है। हम लोग सर्वतोभाव में भगवत पाद पद में निर्भर करेंगे, तमाम समस्या का मीमांसा भगवान का हाथ है, भगवान का ऊपर है, वो जो करे वही अच्छा है, उसी को खुशी से मान लेना जरूरी है। जगत में जो पति पत्नी संबंध हो, पिता पुत्र संबंध हो, बंधु दोस्त दोस्त का संबंध हो, प्रभु भित्व का संबंध हो, चार किस्म का संबंध लेके जगत में हल्ला मच गया। ये चारों किस्म स्वरूप ज्ञान का अभाव होने से, इस जगत में ये अनित्य संबंध हो गया। स्वरूप ज्ञान का अभाव के कारण इस जगत में यही अनित्य संबंध तैरी हो गया। दो दिन का संबंध इस जगत में जितना कुछ है सब पहले इन द फास्ट अच्छा लगता है। इस जगत में जो कुछ भी है पहले कदम में अच्छा लगता है, लेकिन अंतिम में परिणाम भयावह है। माधव हम परिणाम निराशा, कौन लिखा? विद्यापति। माधव हम परिणाम निराशा, विद्यापति जी ने लिखा है। माधव बहुत मिनत करी तुए, माधव हम परिणाम निराशा, ये लिखा है। ये जो चार किस्म का संबंध लेके सब जगत में सब अपना स्वरूप को खो बैठे और इसी में उलझे हुए हैं। इस जड़ जगत से वैकुंठ लोक के जाने का रास्ता एक ही है, अपराकृत शब्द ब्रह्म का सहारा ले, भगवान गुरु विष्णु का सेवा करे। भगवत सेवा शुरू करने से इस जड़ जगत से छुट्टी लेकर, वैकुंठ जगत में जा सकता है आदमी। दूसरे का पास सेवा ग्रहण करने से पैसा दो, लाभ पूजा प्रतिष्ठा दे दो, सेवा दूसरे का पास सेवा ग्रहण करने का जो आसक्ति है इसमें त्रिताप ज्वाला भोगना पड़ेगा। त्रिताप ज्वाला तीन किस्म का जो सतरजतम आध्यात्मिक अद्वैतिक आदिदैविक जलन जो है ये सहन करना पड़ेगा। हम लोग प्रभु कदापि नहीं हो सकता, कुत्ता का पेट में देसी घी कभी हजम नहीं हो सकता, इसलिए इस जगत में हम लोग कृष्णो कभी नहीं हो सकता। कृष्णों का आसन कृष्णों का पदवी कभी हम लोग नहीं ले सकता। हम लोग प्रभु नहीं, प्रभु का सेवक है, भगवान का सेवक है। कृष्णो ही हम लोग का नित्य सेवो नित्य प्रभु, हम लोग कृष्ण के इटर्नल सर्वेंट हैं।
ये बातें भूलने से कृष्ण का सेवा का विरुद्ध में अभियान करने अगर जाए तो संसार ही संसार मिलेगा। त्रिताप ज्वाला में जलते हुए मरना पड़ेगा, दुखों का सीमा नहीं रहेगा। ये संसार नरक का द्वार है। स्तमोदारम जसितम संगी संग महोत्सभा दारमाहू विमुक्ते स्तमोदारम जसितम संगी संगम। ये सारे लाभ पूजा प्रतिष्ठा ऊंचा खानदान में पैदा होना सब जसित है, सब गौड़ीय विचार लेकर आगे बढ़ना है। ये सारे जो है संसार नरक की द्वार स्वरूप, यहाँ केवल भोग और विलास और नरक में जाने का व्यवस्था। चारी वर्णाश्रमी यदि कृष्ण नहीं मजे स्वधर्म करते हो से रौरवे पूरी मजे, ये है शास्त्रों का विचार। जो भी है, अभी पिछले हफ्ता चर्चा करते हुए हम लोग अपूर्व रोती जो रघुनाथ दास गोस्वामी जी के द्वारा बताया गया जो पहला श्लोक है, पहला श्लोक का व्याख्या होते आ रहा है। गुरु गोष्ठ गोष्ठालयेषु सुजनी भूसुरगणी समंत्री श्रीनामनी ब्रजजनु ब्रजनवो जुबदंद सरणी सदा दम्यम हित्वा कुरु रतिम अपूर्वम अतिथरम। यहाँ तक आया अपूर्व रति। गुरु गोष्ठे गोष्ठालयेषु सुजनी भूसुरगणी समंत्रेषु नाम्नी ब्रजनवजुवदन्द सरणे सदा दम्यम हित्वा कुरु रतिम अपूर्वम अतिथरम मये शान्तर्भातश्चटुभिर विजाचे धितपदो। से अंतिम में ये हम लोग चर्चा करते हुए दम्भों का बारे में व्याख्या की, अपूर्वों भी चर्चा किया। अपूर्वों का भक्तियों का अनुगत में आत्मरति विषय रति नहीं है, आत्मरति जो है ये शुद्ध रति। जब आत्मरति पैदा होता है बाहरी दुनिया का जिसका जंजाल है वो सो हट जाता है। सो आत्मरति ही शुद्ध रति। बद्ध जीवों के अंदर में वो लिंगो सूक्ष्म देहो लिंग शरीर का अंतर्गत होके कन्फ्यूशन में आकर जराश्रित होकर विषय रति हो गया। जब भी विषय के साथ आत्मा का कोई संबंध नहीं है जीवात्मा का, फिर भी बहुत दिन से अनंत काल से रहते हुए बद्ध जीव में ये लिंगगत सूक्ष्म देहों का अंदर में इंट्रोड्यूस होकर जरो विशेष रति कन्वर्ट हो गया। शुद्ध कृष्ण भक्ति में केवल आत्मरति अवस्थित है, क्योंकि कृष्ण ही सबका आत्मा, कृष्ण आत्मा का आत्मा है, कृष्ण सरकोई का आत्मा का आत्मा है। बद्ध अवस्था में ये रोति जितना परिमाण में उदित हो सके गुरु वैष्णव के संग में उतना ही उसको अपूर्व एक्सेलेंट माना जाएगा। और अतिशय माने ट्रिमेंडसली व्याकुल होकर, ऐसा नहीं कि भाग में लिखा है तो होगा, नहीं है तो नहीं हो, ऐसा नहीं, निश्चिंत होकर नहीं। यहाँ चिदबल अर्थात आत्मबल, यहाँ चिदबल अर्थात आत्मबल जितना प्रकाशित हो जाएगा, आत्मबल जितना प्रकाशित होते रहेगा उतना ही कर्म प्रसिद्ध भागों का क्षय होते रहेगा। कर्मों का जो लिए जो कर्मों का एक जो प्रभाव है, कर्म अनादि है फिर भी क्षय हो सकता है, कर्म प्रसिद्ध भागों का क्षय हो जाता है। एवं
साधु और श्री कृष्ण कृपा होगा ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं, ऐसा दृढ़ विश्वास होनी चाहिए। ये उपदेश का तात्पर्य ये है, ये उपदेश का तात्पर्य ये है कि साधु संघ बल ग्रेजुअली, इसका मतलब है जितना क्षण जत क्षण साधु संग बल बढ़ते हुए कर्मों क्षयन्मुख नहीं हो जाता है तब तक श्रद्धा नहीं पैदा हुई, ये मानना है श्रद्धा है तब तक श्रद्धा नहीं है। हमने ये बताया था कि उदाहरण, एक व्यक्ति मारवाड़ी पिछले 20 सालों से गोरियामठ में आना जाना है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन आज तक इसका दिल में अनुभव नहीं हुई कि हमको गुरुचरण आश्रय करना जरूरी है। ये आता रहता है, डोनेशन भी देता है। मैंने पंजाब का एक उदाहरण भी दिया था, जलंधर का एक माता जी का, महाराज इतना सालों से मैं कर रहा हूँ कुमारी अवस्था से, आज तक कुछ अनुभव में नहीं है। इसका कारण क्या है? संबंध जानिया भजीते भजीते अभिमान हवे तो अभी संबंध का नहीं पैदा हो गए, 40 साल 50 साल हो गए, क्या करें। इसलिए जब तक साधु संग बल के आधार पर कर्म क्षयन्मुख नहीं हो जाता है तब तक श्रद्धा हुआ है ऐसा नहीं माना जाएगा। श्रद्धा नहीं, श्रद्धा शब्द कहे शुद्ध विश्वास, कृष्ण भक्ति कहले कृष्ण में चरण में भक्ति के सब हो जाता है, ऐसा दृढ़ विश्वास होनी चाहिए। जब तक श्रद्धा नहीं होता, जब तक श्रद्धा नहीं होता तब तक सदुपदेश ग्रहण करने का उसका योग्यता नहीं। जब तक श्रद्धा नहीं है, जब तक श्रद्धा नहीं पैदा हुई, जब तक श्रद्धा नहीं पैदा हुई तब तक इसको गुरु वैष्णव का शास्त्रों का ऊंचा विचार उपदेश ग्रहण करने का इसके अंदर में योग्यता क्वालिटी नहीं। श्रद्धा यदि अगर हो जाए, श्रद्धा का माने क्या है? श्रद्धा शब्द कहे सुदृढ़ विश्वास, कृष्ण भक्ति कहले सर्वदा, श्रद्धा में सुदृढ़ विश्वास कृष्ण भक्ति करने से सब हो जाएगा। तो फिर श्रद्धा अगर हो जाता है, श्रद्धा होने का बाद ही गुरुचरण आश्रय लेने का सोच विचार हृदय में पैदा होता है। अब ऐसा नहीं है तो श्रद्धा काहे का श्रद्धा है। श्रद्धा यदि अगर हो गया, श्रद्धा अगर पैदा हुआ तो पहले दीक्षा गुरु का आश्रय में जुगल मंत्र घोन करना चाहिए। अगर श्रद्धा नहीं है तो कैसे करेगा? मंत्रोलाप करने के बाद दीक्षा और शिक्षा गुरुद्वय को आत्मरति के द्वारा पूजा करना जरूरी है। दीक्षा गुरु संबंध ज्ञान दाता, दीक्षा गुरु संबंध ज्ञान दाता अर्थात संबंध ज्ञान दाता गुरु जी, जिनके संबंध ज्ञान का आचार्य जो है श्री सनातन गोसाई पाद। इसके बाद मंत्रलाभ और दीक्षा शिक्षा गुरुगण की, इसके बाद सेवा का अधिकार आ सकता है। शिक्षा गुरुद्वय को तो दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु को एक ही माना गया, दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु को एक ही माना गया, अलग नहीं है, फिर भी कुछ विशेष है। दीक्षा गुरु संबंध ज्ञान दाता है, इसीलिए इनके आदर और ऊपर है, जब भी एक है फिर भी। और कृष्णदास कविराज उसने एक वचन व्यवहार किया, शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु के तो जानी, एक वचन व्यवहार के मतलब उन्होंने शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु का सेम मर्यादा स्थापन किया।
गुरु को गुरु का महिमा देख के सम्मान ठीक है, लेकिन फिर भी गुरु के साथ इंटीमेट रिलेशनशिप पैदा होना चाहिए, अपना पद दोस्त ऐसा समझ के करना चाहिए। तीन किस्म का वैष्णव के बारे में हमने बताया था, कनिष्ठो मध्यम उत्तम अधिकारी वैसे यथा योग्य जे यथा वैष्णव चिनिया लोहिया आदर करीब जबे वैष्णवर कृपा जाहे सर्वसिद्धि अवश्य पाइब तबे। तीन किस्म का वैष्णव का यथा योग्य एप्रोप्रिएट जिनका जो सम्मान है ये करना चाहिए, आर मंत्रो नामे रोति विधान करना, और जुगल तत्व को प्राण से भी अधिक, जुगल तत्व को प्राण से भी अधिक समझकर सेवा करना, प्राण स्वरूप जान के शरणागत होकर सेवा करना जरूरी है। ये है विशेष विचार है पहला श्लोक का। श्री गुरु ब्रजोधाम ब्रजवासीगण सुजन भूसुरगण समंत्रो श्री हरिनाम ब्रज जुव दंद का शरणापति दम्भो सदा दम्भम हित्वा। दम्भों का माने बोला है माया छल अविद्या कपटता असरलता साठ्यो ये इत्यादि, इसका नाम है दम्भ। गुरु गोष्ठी गोष्ठा लय सुषुजने भूसुरगणे समांतरे से नमनी ब्रजनवजुव द्वंद्व स्वरणे सदा दम्भ्यम हित्वा कुरुरतिम अपूर्वम अतितराम आये शांतुर्भातुश्चटुभिर अभिजाते द्वितपद। द्वितपद पैर पकड़कर विनती कर रहा है, प्यार पकड़कर विनती कर रहा है मेरा बात सुन ले, ऐसा करके अतिशय भागो। अय शांतोर भातो छठवी रवि, मन को सबसे पावरफुल माना गया हथियार इंद्रियों का अंदर, मन को माना गया सबके ऊपर, इतना पावरफुल है ये मत पूछो, इतना पावरफुल है। जो माइंड हम लोग यूज करता है इसका ये 95% अभी पड़ा हुआ है, कभी कभी 90% पीछे पड़ा हुआ 10% यूज कर सकता, इतना पावरफुल है माइंड जो है सबकॉन्शियस में, इतना पावरफुल है। लेकिन उसका कंप्लीट इसका यूज हम लोग कर नहीं सकते, हम लोग को टेक्नोलॉजी मालूम नहीं है, तो ऐसा करके हम लोग वंचित होते आ रहे हैं वंचित। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी का ये जो बातें हैं पहला श्लोक का, गुरु गोष्ठे गोष्ठालय सुसुजने भूसुरगणे समंत्रे श्री नामनी ब्रजनवो जुव द्वंद्व स्वरणे सदा दम्भ्यम हित्वा कुरुरतिम अपूर्वम अतितराम महे शांतर्भात। मन को चाटुभी मैंने पैर पकड़कर बोला अभिजाचे धित पद, मन तेरा पैर पड़ता हूँ तो एक काम कर भाई मान जा। मनो एव मनस्वानम करुण बंधनम अक्षयो हैं, फिर एक नंबर श्लोक का तो थोड़ा बहुत हुआ। कीर्तन में भक्तिमय ठाकुर लिखा है श्री श्री गुरु चरणेभ्यो नमो नमः, श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय नमः, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी चरणेभ्यो नमः, ब्रजधाम नित्यधन राधा कृष्ण द्विजन लीला विषय एक तनु हैया, एक हो गया दोनों राधा कृष्ण अलग सा एक हो गया। धाम सहो गौर देशे प्रकोट हैला ऐसे निजो नित्य
परिषद भैया अपना नहीं जो परिषद देखे गौरंग महापुर राधा गोविंद के मिलित होकर आए हुए हैं। मन ये मन तुम सत्य बोलकर ये समझ लो, मन तुम्हें सत्य बोली जानो। नवद्वीप गौर हरि नाम संकीर्तन करी प्रेमामृत गौर कईल दान। नवद्वीप गौर हरि नाम संकीर्तन करी प्रेमामृत गौरे करी गौरे कईल दान। सन्यासे छल करी नीला चले से हरि श्रीकृष्ण चैतन्य ज्योतिश्वर दामोदर रामानंद लोए करी परमानंद गुरुतत्व जनाय विस्तर। रघुनाथ यही तत्व शिखाइला परमार्थ पाठाइल सिरपेर सिरूपर का सिदास गोस्वामी ब्रजे स्वरूप सह कृष्ण भजे मनशिक्षा श्लोक लिखिया छे। ताहार दासेर दास हईते जार बड़ आज ए भक्ति विनोद अकिंचन मनशिक्षा भाषा गाय जथा शुद्ध भक्ति पाए दया करी करें श्रवण। गुरुदेवे ब्रजवने ब्रजभूमि वासीजने शुद्ध भक्ते आर विप्र। गुरुदेवे ब्रजवने ब्रजभूमि वासीजने शुद्ध भक्ते आर विप्रगने शुद्ध भक्ते आर विप्रगने इष्ट मंत्र हरि नामे जुगल भजन कामे करति अपूर्व यतने करति अपूर्व यतने धरि मन चरणे तोमार धरि मन चरणे तोमार जानियाछि एबे सार कृष्ण भक्ति बिना आरो जानी आछी एवे सारो जानी आछी एवे सारो कृष्ण भक्ति बिना आरो नाइ गुचे जीवेरो संसारो नाइ गुचे जीवेरो संसारो कर्म ज्ञान तप योग सकलित कर्म भोग कर्म खा कर्म छाड़ा इते के हो नारे कर्म छाड़ा इते के हो नारे सकल छारिया भाई श्रद्धा देवीर गुण गाई सकल छारिया भाई श्रद्धा देवीर गुण गाई जार कृपा भक्ति दीते पारे जार कृपा भक्ति दीते पारे छारी दम्भ अनुक्षण स्मर अष्ट अष्ट तत्व मन छारी दम्भ अनुक्षण स्मर अष्ट तत्व मन छारी दम्ब अनुक्षण स्तम छारी दम्ब अनुक्षण स्मर मस्त मन करता हे निष्कपट रोति करता हे निष्कपट रोति से रोति प्रार्थना सीधा सुगोस्वामी पाए ए भक्ति विनोद करे नती रति प्रार्थनाय सीधा सुगोस्वामी पाए ए भक्ति विनोद करे रती ए भक्ति विनोद करे नती। यहाँ तक पहला श्लोक का थोड़ा बहुत व्याख्या हो पाया वो भी ठीक नहीं। बाकी दूसरा नंबर श्लोक में जाना उचित है। यहाँ रघुनाथ दास गोसाई खुल्ला में खुल्ला बता दिया न धर्मम न्याधर्मम श्रुतिगणो निरुक्तम किल कुरु
ब्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्य मीहु तनु सची सुनु नंदीश्वर प्रतिश्रुतत्व गुरुवरम हैं मुकुंद पिष्टत्वे स्मरो परमजस्रम ननु मनु ननु मने निश्चित में। पहला बात यह है वेदों में जो तरह तरह का विचार बताया गया, वेदों में जो तरह तरह का विचार बताया गया इसको समझना बहुत मुश्किल है, इसको समझना बहुत कठिन है। वेदों का अंदर में क्या बताया गया, क्यों बताया गया, ये सब लेके बड़े बड़े दिव्य स्वरूप, बड़े बड़े दिव्य सूर्यों में द्वंद्व अर्थात झगड़ा हो जाता है। ये भी भगवान का एक माया है, सब भगवान का माया है। यक्त वदताम विवाद संवाद भुवो भवंती कुर्वन्ति चैषां मुहुरात्ममो तस्मै नमन्तु गुणाय भुम्ने। यत् शक्तये वदिता यत् शक्तये वादिनां वदतां वादिनां भई विवाद वादी विवादी झगड़ा होते रहते, क्योंकि परम सत्व वस्तु का प्रतिष्ठा है लेकिन माया का कोई प्रतिष्ठा नहीं, माया का कोई प्रतिष्ठा नहीं। परम सत्य वस्तु नित्य चरण सत्य तार सेवक ये ठीक है, बाकी सब अनित्य वस्तु, कोई वस्तु का कोई स्टेबिलिटी है नहीं। सब आगम पाई आते हैं और चले जाते। भक्तिमय ठाकुर जी ने गाया है कीर्तन में, किसेर संसार ऐ छायाबाजी प्राय, किसेर संसार ऐ छायाबाजी प्राय, यहाँ ते ममता कुरी बिथा जुन जाए। किसेर संसार ऐ छायाबाजी प्राय, यहाँ ते ममता कुरी बिथा जुन जाए। वेदों में जो बताया गया क्रियाकर्म, ऐसे तो वेदों में जो कर्मकांडी आदि सब कुछ वैसा है, आयुर्वेद धनुर्वेद से लेकर कोई ऐसा कुछ नहीं है, सब आया है। कहाँ से आया, एक ही जगह से। रघुनाथ दास गोसाई का बात समझने का पहले ये अनुभव करना चाहिए जे रघुनाथ दास गोस्वामी साक्षात श्रीमती राधानी का रतिमंजरी है, इनके कई सारे विलाप कुसुमांजलि, विलाप कुसुमांजलि चर्चा करो तो आप पागल हो जाओ। विलाप कुसुमांजलि अगर चर्चा करो तो आप पागल ही बन जाओगे, इतना सुंदर गहरा विचार है। इसमें तरह तरह का विलाप एकदम कष्ट दुख भरे नाले सुना रहे हैं रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने, दुख भरे नाले ये सुना है जगतवास। रघुनाथ दास गोसाई, रघुनाथ दास गोसाई गंभीरा मंदिर में सौरभ गोसाई के साथ सेवा की, इनलिए के लिए मालूम है गंभीराष्टकम भी है। गंभीराष्टकम शायद गोपाल गुरु गोस्वामी जी ने लिखा है। गंभीराष्टकम में बहुत सारे गौरंग महाप्रभु का लीला और गौरंग महाप्रभु का स्तवकल्प तुरु रघुनाथ दास गोसाई लिखा है। गंभीराष्टकम में बहुत सारे गंभीर गंभीर विषय आता है। राधा प्रेमामृत जलोनिधि मग्नो गोपेन्द्र सूनु कांत्या गौर प्रकटम अगमत श्री नवद्वीप धामनी हित्वा सर्वं गृहो परिजनं सन्यसन क्षेत्रमेत्तो गंभीरायं विलसति सदा गौरमूर्ति जतीन्द्र। कितना सुंदर, पागल हो जाओगे। राधा प्रेमामृतो जलनिधौ
मग्नो गुपेन्द्र सूनु कांत्या गौर प्रकटम अगमत सिनवद्दी पधामनि हित्वा सर्वं गृहो परिजनम सन्यसन क्षेत्रमेत्तो गंभीरायं बिलसति सदा गौरमूर्ति जतेन्द्र मिश्रावास बसति मकुरु धामनि नीलाचलेयो रामानन्द्यादि विरमिमत्वेर स्वात्मभूमादिवेश्चो भक्त्वेर स्वार्धं ब्रजवधुगुणैर प्लावयन् विश्वमेतत् गंभीरायं बिलसति सदा गौरमूर्तिर् जतीन्द्र अंगोराधादूतिसुवलितं तप्तो जाम्बूनदाभं बिभ्राति जो अंतरमनसि किल तत् भावसंगीं चकार तेनैव स्वां मधुरीम भरं साधयन् ऊप्यतृप्तो गंभीरायं बिलसति सदगौरमूर्तिर्जतीन्द्र गोपीभावे बिलसति मतिः कृष्णो मन्नीषमानः पुष्पोद्याने तनुपरिमलं प्राप मुग्ध्यान्तरात्मा प्रेमाविष्टो गजवति महोस संभ्रमात् ससज्जीजो गंभीरायं बिलसति सदा गौरमूर्ति जतेन्द्र। बहुत सुंदर ये सारे चैतन्य महाप्रभु का गंभीर लीला का विषय है। जिनका रुचि है आनंद मिला जिनको वही करेगा, बाकी तो आदमी थोड़ी करेगा, बाकी आदमी का काम नहीं है ये जो भक्तिविनोद ठाकुर भी लिखा है देखो दा क्या नवद्वीप से गौरहरि नाम संकीर्तन प्रेमा में तो गौर गौरे को इलोदान संन्यास का बहाना लेकर नीलाचल में गया श्री कृष्ण चैतन्य ज्योतिश्वर दामोदर रामानंद को संग लेके परानंद में गुरु तत्व अपने अभ्यास करके दिखाया निज भजन मुद्रम उपदेशम रघुनाथ दास को सही तत्व सिखाने का बाद परमात्व पठाइल रूपेर काछे सिद्धार्थ गोस्वामी ब्रजे श्रीरूप सह कृष्ण भजे मनोशिक्षा श्लोक लिखिया छे। न धर्मं न अधर्मं श्रुतिगण निरुक्तं किल कुरु ब्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्यामिह तनु शचीशोनु नन्दीश्वरपति सुदत्ते गुरुवरं मुकुन्दो पृष्ठत्वे स्मरो स्मर परमजस्रं ननु मनु। रघुनाथ दास गोसाई धर्मो व अधर्मो दोनों में कोई रुचि नहीं। अब भगवान ने गीता में खुल्लाम खुल्ला बता दिया नादस्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतिं विभुम अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति यन्तव। तो धर्मो और अधर्मो जो जनरल कंसेप्शन है धर्मों का ये भागवत धर्म नहीं है। देखो ये जो रघुनाथ दास गोसाई जी ने बोला है ये वेदोक्त वेदों में तो तरह तरह का अधिकार का आदमी का लिए बताया गया। वेदों में तरह तरह का अधिकार का आदमी का लिए अलग अलग सचित बताया गया और क्या इसमें कर्मा कर्म विकर्मित वेद बाद नौलौकिक वेदस्यो च ईश्वरात्मत्वा तत्र मुह्यन्ति सुरः। जितना सारे जनरल कंसेप्शन है धर्मों और अधर्म का आत्मधर्म में प्रतिष्ठित होने से पूरा कंसेप्शन बदल जाता है। लेकिन आत्मधर्म में कोई प्रतिष्ठित है दिखाओ
भगवत धर्म, आत्म धर्म, वैष्णव धर्म, इसमें कौन प्रतिष्ठित है दिखाओ। प्रभुपाद कहते थे करोड़ों करोड़ों जनों में एक आंख भगवान का वास्तविक भजना करना चाहता है। और यहाँ रघुनाथ दास गोसाई का ये जो उपदेश है मन शिक्षा, ये हमारा लिए है जो भजन में आए हुए हैं गौड़ीय भजन। बाहर का आदमी क्या करे, ये सब समझेगा नहीं कुछ। न धर्मम न अधर्मम श्रुतिगण निरुक्तम किल कुरु ब्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्या मिह तनु सची सोनम नंदी सरपति सुधत्वे गुरुवरम मुकुंद पृष्ठत्वे स्मर परम जस्रम ननु मनु। ये बड़े कीर्तन में भी लिखा है भक्तिमती ठाकुर जी ने, बहुत सारे कीर्तन में भी बहुत सारे लिखा है। कीर्तन में बहुत सुंदर सुंदर कीर्तन लिखा हुआ है। एमोनो दुर्मति संसार भितरे परिया छिनु आमी तब निज जन कोनो महाजने पठाइया दिले तुम। ये कीर्तन है ना, सुना कीर्तन, कीर्तन का जो ये है, कीर्तन का जो जगह है, कीर्तन सब है पूरा भरपूर, संस्कृत बांग्ला सब कीर्तन है, बहुत सुंदर कीर्तन है यह। एमन दुर्मति संसार भीतरे परियाया छिनु आमी तब निज जन कोनो महाजने पठाइया दिले तुमी दया करी मोरे पतित देखिया कहिलो आमारे गिया ओहे दिन जन सुनो भालो कथा उल्लसित होवे हिया तुम्हारे तारीते श्री कृष्ण चैतन्य नवद्वीपे अवतारो तुम्हें कनो कत दिन हीन जने करिले न भव पारो। नंद सुन जिनी चंद चैतन्य गोसाई निज नाम करी दानो বেদের প্রতিজ্ঞা রাখিবার তরে রুক্মবর্ণ বিপ্রসূত মহাপ্রভুর নামে নদিয়া মাতায় সঙ্গে ভাই অবধূত নন্দ সুনজিনী চৈতন্য গোসাই নিজ নাম করি দান তরিল তরিল জগৎ তুমিও যাইয়া লহ নিজ পরিত্রাণ সে কথা শুনিয়াছি আছি আমি তোমার চরণ তলে ভক্তি বিনোদ কাঁদিয়া কাঁদিয়া আপন কাহিনী বলে। তো ন ধর্মম না ধর্মম শ্রুতিগণ নিরুক্তম কিল গুরু, রঘুনাথ দাস দুসে পেলে বল দিয়া না তো ধর্ম করো না ধর্ম কুছ এই কই বেদোক্ত শ্রুতিগণ নিরুক্তম কিল গুরু। কিল श्रुतिगणों में तरह तरह आदमी का अधिकार के अनुसार उपदेश दिया गया, लेकिन इसमें अगर लगे रहो तो ये तो आपका अनंत काल चलते ही रहेगा। कर्मा कर्म विकर्मेति वेद बादो नौ लौकिक वेदस्व च ईश्वर आत्मतत्म यंत्र सुरयो। अरे वेद बाद में लगे रहो तो इसमें कोई काम नहीं। वेदों का अंतिम उपदेश क्या है ये सोचो। व्हाट इज द अल्टीमेट एडवाइस ऑफ वेदों का? भगवान ने गीता में बताया वेदस्य सर्वैरहमेव वेद्यः, सब वेद का अंतिम उपदेश मेरे को दिखा देना। वेदों का अंतिम उपदेश मैं ही हूं और क्या। कर्म अकर्म विकर्म ये सब वेदवाद ये करते चलो, कोई रास्ता नहीं।
गोकर्ण जी महाराज, देखो गोकर्ण महाराज यही बात बताए पिताश्री को, पिताश्री को यही बात बताया, बोलो देखो धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्म, आप वास्तविक धर्म को, वास्तविक धर्म का सहारा ले लो, धर्मम भजस्व सततम अनइंटरप्टेड वे, इसमें कोई छेद नहीं, क्या आत्मधर्म भगवत धर्म यही तो है ना, और क्या। तो यहाँ गोकर्ण जी महाराज बोल रहे हैं पिताश्री को, धर्मम भजस्व सततम, हर वक्त धर्मों का चर्चा करो, कौन सी धर्म, कौन सी, बोले आत्मधर्म। ये कैसे समझा, वह लिखा है गोकर्ण जी महाराज ने बताया, धर्मम भजस्व सततम अत्यजोलोक धर्म, तो मतलब लौकिक धर्म बहुत है, समाज धर्म, संसार धर्म, मनोधर्म, सारे धर्म, धर्म का एकदम, लेकिन ये सब कोई काम का नहीं। इसलिए गोकर्ण जी महाराज बताए धर्मम भजस्व सततम तेजोलोक धर्म, धर्म का नाम पे जो चल रहा है सब ये सब कुछ फायदा नहीं है, कुछ फायदा नहीं। इसीलिए भागवत जी महापुराण में बताया गया 11 स्कंद में, कर्मा कर्म विकर्मेति वेदो वादो न लौकिक वेदस्य च ईश्वरात्मतत्त्वम् यन्ति सूरयो परोक्षवाद वेद एवं बालानाम अनुशासनम कर्म मोक्षायो कर्मो कर्म मोक्षायो कर्माणि विधत्ते ही अवगतम यथा। वेदों में परोक्षवाद है, डायरेक्ट कुछ, ये यज्ञ करने से लड़का मिलेगा, बच्चा नहीं है संतान हो जाएगा, पुत्रश्री यज्ञ हैं सब परोक्षवाद, डायरेक्टली भगवान, भगवान ने बोला, देखो अंतिम में भगवान ने बोला उद्धव जी को, देखो आज्ञा एवं गुणानु दोषान मयाधिष्ठानोपि सकानु धर्मान संत्यायो य सर्वान् माम भजेत स च सत्तमः। धर्मों का उपदेश देते हुए वेद में इधर उधर मैंने बहुत सारे उपदेश दिया, स्वधर्मादि, ये इसको अगर आगे चल के देखो तो डिफरेंस संहिता में, विशेष करके मनु संहिता में, मनु महाराज मनुष्य का क्या कर्तव्य, तरह तरह का सब वेदों से भगवान ने उपदेश किया। भगवान ने उपदेश किया सूर्य भगवान विवत्सन को, विवत्सन उसका लड़का को उपदेश किया हैं, इक्षाकु इसको दिया, ऐसा करके धारावाहिक रूप में आ रहा है। बीच बीच में ये अप्राकृत जगत का ज्ञान जो है लुप्त हो जाता है, फिर भगवान को प्रकाशित करना पड़ता है। अंतिम में भगवान बोला, देखो पहले तो शुरू किया था कहाँ से, पहले से शुरू किया था नेहो यत कर्म धर्मा यन विरगाय, वो तो धर्म धर्म नहीं है, वो तो धर्म बिल्कुल नहीं है, नेहो न इहो यत कर्मो धर्माय न विरगाय कल्पते न तीर्थ पदो शिवा वही जीवन अभिमित ही सब। कर्मों का टारगेट क्या है, धर्म, धर्मों का अर्थ क्या है, परार्थता। अतः सी गुरु, सी गुरु हरि गुरु वैष्णव गो विप्र ब्राह्मण सुख का चेष्टा करना ही ये धर्म। स्वार्थो केवल अपना इंद्रियो तृप्ति का विषय चिंता करो तो धर्म हो नहीं सकता, हो सकता कभी नहीं, इसको काम बोला है। कर्मों का लक्ष्य, कर्मों का अगर लक्ष्य अगर यदि देव दिजो गुरु ब्राह्मण हरि ना है तो ये तो अकर्म विकर्म व कुकर्म हो जाएगा। नेहो यत कर्म धर्मायो न विरगाय कल्पते न तीर्थ पदो सेवा वही जीवन ओपि मितो हिसा।
इसका बाद वर्णाश्रम धर्म के बारे में महाप्रभु जी ने उठाए पराशर मुनि का वाक्यो वर्णाश्रमाचार वता पुरुषेण परह अपमानो विष्णु आराध्यते पंथ्या नान्यत् तत्तोष कारणम। वर्णाश्रम धर्म लगे रहो इसे इसमें हो जाएगा बोला। ग्रेजुअली वर्णोचार आश्रमचार है एर कम मार्गे विष्णु आराधना करते करते आगे चलो। फिर उसका बात बताया अतः पुंभीर द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग सह सनुष्ठित धर्मस्व संसिद्धिर हरितोषण। वर्णाश्रम आदि बहुत सारे कर लिया महाराज देख लिया लेकिन किसी भी हालत से भगवान का संतुष्टि विधान का अगर प्रचेष्टा नहीं किया सारे बेकार है। अतः पुंभीर द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग सह सनिश्चित धर्मस्व संसिद्धिर हरितोषण। हरित को भगवान को संतुष्ट करना ही तो काम, ये अगर नहीं हो पाया सब बेकार है फजूल है बेकार। अतः पुंभीर द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग सह सनुश्चित धर्मस्व संसिद्धिर हरितोषण। अगर ये नहीं हो पाया तो बेकार है। इसका बाद गीता से उठाया यद करोसी यद अश्नासी यद जुहोसी ददासी यद यद तपस्योसी कुंतियो तत्कुरुष्व मदर्पणम्। भगवान बोला देखो यद तुम करोगे यद भोजन करोगे जब योग करोगे जब कुछ दान करोगे दक्षिणा करो कुछ भी करो यद तपस्या करोगे सब मेरे को दे दो। ये हुआ इसमें तुम्हारा बंधन नहीं होगा। आप बंधन नहीं होगा ठीक है लेकिन लाभ क्या है? बंधन तो नहीं है लेकिन लाभ क्या है? आगे चल के बहुत आगे जाना पड़ेगा। इसीलिए भगवान 18 अध्याय में अंतिम बात खुल्लाम खुल्ला बता दिया। बोला देखो अभी तक तुमको जो बताया है ये तो बताया है, ये अभी तक हमने जो बताया है ये अगर तुम समझो उद्धव को भी चलो उद्धव को जो अंतिम उपदेश दिया यहाँ भी भगवान यही बात बोला। उद्धव मेरा ड्यूटी है तुम्हारा झोली पे सारे साबुत रख दो, जो जैसा आदमी मिले उसी का हिसाब ही तुम देना। तुम अगर सोचोगे मैं ज्ञान योग ध्यान सब तुमको ही बोल रहा हूँ तो मैं शर्मिंदा हूँ। तुम्हारा मापिक भक्तों को ये सब देने का कोई दरकार नहीं। उद्धव भी प्रश्न करते रहते हैं भगवान का इच्छा से, प्रश्न अगर न करे तो खुलासा नहीं होगा। उद्धव मैंने सब बता दिया तुमको, अगर तुम सोचोगे योग करना ये करना वो करना तुमको ही बता रहा हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ। ये तुम्हारा झोली पे मैं रख रहा हूँ, तुम जो हो वो तुम ही हो, तुम जो हो वो तो तुम ही हो, समझ लो तुम अपना काम करना, लेकिन सब हाँ तुमको सामने रखकर देना पड़ेगा। तो भगवान ने अर्जुन को बोला देखो अभी तक पहले सैन्य दर्शन विषाद योग से लेकर तमाम अध्याय में एक एक करके सब हम बताया, कर्म नहीं करने से कर्म करना उचित है, कर्मों के अलावा कोई नहीं रह सकता सारे बताए। अच्छा ठीक है कर्म करो मेरा उद्देश्य में करो, अच्छा ठीक है मेरे को अर्पण कर दो ऐसा करके। अरे कर्मार्पण कर्म अर्पण में अभिमान रहता है, मैं करके भगवान को दिया ये भगवान का संतुष्टि विधान का हेतु नहीं है। इसीलिए अंतिम में अर्थात अंतिम में भगवान अर्जुन को बताया सर्वधर्मानाम परित्यज्य मामेकम शरण। ये सर्वधर्मानाम परित्यज्य मामेकम बजो ये जो बताया है आज यहाँ जो रघुनाथ दास गोस्वामी न धर्मम न धर्मम अत सुतिगणयुक्तम किल कुरु सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरण, मतलब तुम भागवत धर्म में अतः शरणागत होकर आत्मधर्म में प्रतिष्ठित हो जाओ। तो आत्मधर्म का अंतिम क्या है? भगवान का साथ प्यार का रिलेशन है, यही तो है ना। और रघुनाथ दास गोस्वामी विशेष करके जो गौड़ीय भजन में आए हुए हैं ये लोगों के लिए बताए, आलतू फालतू बाहर का आदमी के लिए नहीं, क्या करे वो लोग ये सब तो करेगा नहीं, ये तो करेगा नहीं ना।
सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। यही है गीता का अंतिम श्लोक, अंतिम उपदेश और भगवत धर्म का शुरुआत है। जहाँ गीता रोक लगा देता है, यहाँ रोक लगा दिया। जहाँ गीता रोक लगा दिया सर्वधर्म, वहाँ से गौड़ीय दर्शन का शुरुआत है। अब भगवान ने उद्धव जी को भी बताया, देखो जो आज्ञा का रूप में मैं शास्त्रों का इधर उधर बहुत सारे चीज लिख दी बोला है, कि बोलना जरूरी था कि तुम अकेला नहीं हो ना, हजारों हजारों लाखों करोड़ों किस्म का आदमी है, तो जिसका जो सूट करे। जैसे एक मिसाल दे दें, राजा प्रताप रुद्रो गौरी भक्तों का मिलन, गौरंग महापुरुष का साथ जो मिलन हो रहा है, बंगला से आया हुआ है, ये दर्शन कर रहा है छात का ऊपर खड़ा होकर, सर्वम भट्टाचार्य जो है और काशी मिश्र सब है, और महाप्रभु सब भक्तों के साथ मिला, सब परिचय करवा दिया। राजा ने हैरान हो गया, बोले इतना पावर है, बाप रे बाप, देखने से करोड़ों सूरज जैसा भांती है, अरे बाप रे। और अंत में महाप्रभु बोला, जाओ एक काम करो, बहुत दूर से थका हरा आए हुए हो, जाओ समुन्द्र में नहा लो, नहा के जल्दी आ जाओ, प्रसाद पा लो। अब इसमें राजा प्रताप रुद्र का बड़ा शक हो गया, क्या बात है, ये तो क्षेत्रों में आने से पहले उपवास करना पड़ेगा, मस्तक मुंड करना पड़ेगा, जगन्नाथ का दर्शन करना परिक्रमा जरूरी है। इन्होंने क्यों बोला, प्रभु ने बोला जाओ जल्दी जाके समुद्र में नहाकर प्रसाद पालो। फिर इस बात को खुलासा किया सर्वम भट्टाचार्य, बोले देखो राजन, आप जो जानते हो ये सब विधि धर्म है, ये सब विधि अर्थात वैदिक धर्म है, आने से ये होगा। और यहाँ जो चैतन्य महाप्रभु का पार्षद लोग आए हुए हैं, ये यहाँ विधि का बात नहीं है, ये राग मार्ग है, यहाँ प्रेम ही सबसे बड़ा चीज है। नियम से प्रेम ज्यादा वैल्यू इम्पोर्टेंस रखता है। अगर ये नहीं होता तो हमारा गोविंद जी मतलब जो महाप्रभु का सेवा करते हैं, ये कैसे महाप्रभु को उल्लंघन करके अंदर चला गया। जब महाप्रभु को विनती किया, प्रभु थोड़ा सा साइड दे दो, हम अंदर जाएंगे, क्या क्या कारण है, क्या करोगे, बोले आपका पद संवाहन बर, तुम करो नहीं करो हमको मतलब नहीं है, तुम करो नहीं करो तुम्हारा मर्जी है, हमारा शरीर हटाने का हिम्मत नहीं है। इतना कीर्तन किया और इतना भगवान स्वयं ऐसा लीला कर, हमारा शरीर हटाने का भी हिम्मत नहीं है, तुम जाओ ना जाओ तुम्हारा रुचि है। गोविंद ने देखा प्रभु तो हटेगा नहीं, हम अंदर में जाएगा कैसे, ये तो मेरा नित्य सेवा है। प्रभु का शरीर के ऊपर अपना कपड़ा एक बिछाकर नया उल्लंघन करके अंदर चला गया और माँ प्रभु का पद संबंध किया, नित्य सेवा की। और बाद में बोला प्रभु ने पूछा, ऐ प्रसाद पाया तुमने, नहीं पाया, क्यों नहीं पाया, अब सोया हुआ है कैसे जाए, हम सोया हुआ तो आया कैसे, आने का टाइम में आया कैसे, ऐसे जाओ, लेकिन जाएगा नहीं, समझा मेरा बात। अर्थात प्रीतिमय अर्थात प्रेममय सेवा में मेरा नरक वास हो जाए फिर भी अच्छा है। जैसे भगवान श्री कृष्ण पुराण में आता है, भगवान श्री कृष्ण का बीमारी हुआ, बुखार चढ़ गया और बुखार जा नहीं रहा है, भगवान ने बोला मेरा औषधि है भक्तों लोगों का चरण धूलि लाओ, चरण जल मेरा मस्तक में दे दो हो जाएगा। जैसे विप्र चरण का जो पद तक गया धाम में महाप्रभु जी ने पिया है, विप्र पदोदक पिया, वहाँ भी बुखार आया महाप्रभु का। ये जो है विप्र पदोदक किसी ने देने के लिए तैयार नहीं, अंतिम में
नारद जी महाराज भिक्षा मांगते फिरे ब्रजधाम में आ गया। बोले ऐसा ऐसा बात है, द्वारिका द्वारिकानाथ भगवान अस्वस्थ है, अस्वस्थ है। वहाँ घबरा गया सब ब्रजवासी। बोले दवा कराया, दवा कराया। बोले दवा का कोई दवा काम नहीं कर रहा है, तो फिर क्या करे। बोले प्रभु ने बोला सबका भक्त लोग का चरण जल लेके जाओ, चरण धूली, तो इसीलिए आपका उधर आया है। तो ब्रजगोपियों ने ब्रजवासियों ने बोले कितना चाहिए बोल, नारद जी कितना चाहिए बोलो, ले जाओ, हमारा नरक हो जाए तो ठीक है, फिर भी हमारा गोविंद हमारा कृष्ण स्वस्थ हो जाए तो अच्छा। तो ये विधि मार्ग में रेस्ट्रिक्शंस है, लेकिन राग मार्ग में द ड्राइविंग फोर्स इज लव, प्रेममय सेवा। यहाँ ड्राइविंग फोर्स प्रेम है और कुछ नहीं। प्रेम का भाषा किताब में नहीं रहता है, और रहता भी है समझ में नहीं आता। आई बात समझ में? सो रघुनाथ दास गोसाई का जो कहना है बड़ा क्लियर है, जो न धर्मम न अधर्मम करु, श्रुति गणों में जो लिखा हुआ है तो वेदों का ही है, और क्या करोगे, इसमें तो कोई काम मानने वाला नहीं है। आज तुमको चाहिए गौरीय भजन, नागानुगा भजन, रूपानुगा भजन, तो कैसे मिलेगा। विधि मार्ग में लिखा हुआ है, विधि मार्ग में कृष्ण प्रेम पाइते नहीं सकती। विधि मार्ग में जो एकदम अंतिम जो प्रेम होता है, विधि मार्ग में कृष्ण प्रेम मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन विधि मार्ग में एक किस्म का प्रेम तो होता ही है, होता है। लेकिन ये जो प्रेम जो है ब्रजो प्रेम, इसलिए और ज़्यादा क्लियर बोलना चाहिए, क्योंकि विधि मार्ग में भी प्रेम है। विधि मार्ग में प्रेम नहीं, नारायण का साथ भक्तों का प्रेम है, सब है। लेकिन ये जो प्रेम विधि मार्ग में ब्रजो प्रेम जितना नहीं सोते, ब्रज का जो खुला हुआ प्रेम है, जिसका छूट है, कुछ भी करो भगवान का, लड़ाई करो, चुम्बन करो, आलिंगन करो, गाली गलवाज करो, सब चलता है। ये प्रेम की परिभाषा ब्रज प्रेम। तो इसीलिए लिखा हुआ है चैतन्य चैतन्यमृतों में, विधि मार्गे ब्रज प्रेम दिता नहीं शो। विधि मार्ग में प्रेम है, कुल्लू शिखर पर भी प्रेम था, बहुत सारे भक्तों का प्रेम है, प्रेम नहीं है, सब कोई का प्रेम है, गुहक चंडाल का, हनुमान जी, सब कोई का प्रेम है। लेकिन ये जो प्रेम जामबान का है, जम्बुबान सबका प्रेम है, सुग्रीव सबका प्रेम है, विभीषण का भी प्रेम है, सबको भी प्रेम है भगवान का पति। विधि में ये लोगों का राग मार्ग का विषय नहीं है, प्रेम है। लेकिन तो ये ब्रज प्रेम जो है, इसका बारे में रघुनाथ दास गोसाई के इंडिकेशन है। तुम धर्म अधर्म करके क्या करोगे, कहाँ तक जाओगे, क्या कर लोगे, हैं? इसलिए ना तो धर्म करो ना तो अधर्म करो। अब दुर्योधन का कंसेप्शन तो पूरा उल्टा है। ये बोल रहा है कि मैं धर्म जानता हूँ, अधर्म जानता हूँ, लेकिन धर्म करने का रुचि नहीं है, अधर्म करने का रुचि मैं जानता हूँ, घटी उचित नहीं है, फिर भी मैं क्या करूँ। दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण को अंतिम समय में बताया, जनामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जनामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, तया ऋषि के सहृदय स्थितेन यथा नियुक्त स्वी तथा करो। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान हृदय में रखकर आपको घटिया प्रेरण, ये नहीं है। इसका बहुत बार व्याख्या हो गई। इसका माने है जीवात्मा अपना संस्कार का अनुसार जो स्थिति में जो कंडीशन में अभी है, इसी अवस्था में उसका कर्मफल उसको ड्राइव करेगा। भगवान कर्मफल दाता है,
लेकिन भगवान किसको प्रेरणा दे के खटिया काम और अच्छा काम कराने का कोई रुचि नहीं। भगवान ने बोला देखो हमने तुमको बोला सब छोड़कर मेरा पास आओ। यही बात 11 स्कंद में उद्धव जी को भी बताए, आज्ञा ओवम गुणान दुषान मयादिष्टानो पी सकानो धर्मान सं त्याग्यो यस सर्वान माम भजे तो चौसा सप्तम। भगवान बोले धर्म शास्त्रों में जगह जगह मैं धर्म का जो आदेश उपदेश किया है इनके गुण और दोष विचार पूर्वक अगर ये प्रेम सेवा में बाधादायक है तो उसको भी फेंक दो। विचार पूर्वक यही सकल धर्म प्रवृत्ति छोड़कर हमको जो भजन करने के लिए छलांग लगाता है वही साधुओं में सत्तम। क्या बताया, आज्ञा एवं गुणानो दुषान मयादिष्टानो पी सकानो धर्मानो संतयो य सर्वान माम भजेत सौच सत्तम। आई बात समझ में? तो ये थोड़ा बहुत बताया, थोड़ा बहुत बताया, कुछ नहीं। राय रामानंद संवाद में बहुत सारे व्याख्या किया, बहुत सारे। पहले तो वर्णाश्रम धर्म से लेकर फिर हैं वर्णाश्रम धर्मों का पालन करने भगवान का संशुद्धि अगर हरितोष नहीं हुआ तो बेकार है। फिर इसका बाद कर्मार्पण जत करुषि यद एक हो गया। इसका बाद भगवान ने बोला आज्ञा एव गुणान दोषान मयादिष्टान ओपी सकानो सर्वाण धर्माण संतयो यह सर्वाण माम भजेत सत। इसका बाद बोला ठीक है चलो कोई बात नहीं। इसका बाद सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम भजो। इसका बाद बोला ठीक है ब्रह्मभूत प्रसन्यात्मा न सचती न कंखती समहा सर्वेश भूतेश मद्भक्ति लभते परम। ये हो गया। इसका बाद फिर बहुत सारे ज्ञान सुनना भक्ति ज्ञान मिश्रा भक्ति ज्ञान सुनना भक्ति फिर आगे बहुत सारे स्थान स्थित सुचिकताम दोनुवांग मनोभीर। ये जो बताया अंतिम में ज्ञान सुनना बहुत सारे अंतिम में भगवान ने भागवत जी महापुराण 11 स्कंद में उद्धव जी को बताया देखो बहवो मत्पदं प्राप्त्या त्रष्ट त्रष्टो कया धवादयो। क्या बताया, बहवो मत्पदं प्राप्त्या त्रष्टो कया धवादयो विश्वपर बलिर वाहनमयश्चात विभीषण सुग्रीव हनुमान निक्षो गजो गृद्धो वनिको पतः व्याध कुब्जा ब्रजे गुप्पो यज्ञो पत्नस्तथा परि ने तेन अदिता तेन अदित श्रुतिगना नोपासित महात्मा अव्रता तप्त तपस सत्संगात्मा उपागतः सत्संगात्मा तो भागवा। बहुत सारे विचार आता है। भगवान बोले देखो ये लोग जो है ये अंतिम में मेरे को प्राप्त किया। कैसे प्राप्त किया, कैसे भले सत्संग के द्वारा मेरे को प्राप्त किया। केवल बहवो मत पदम प्राप्त्या त्राष्टो कया धवादयो हो विश्व पर्वः बलिर्वानो मयश्चात विभीषण सुग्रीवो हनुमान वृक्षो गजो गृद्धो वनिको पथो व्याधः कुब्जा ब्रजे गुप्पो यज्ञो पत्नस तथा परे। और इन लोगों के बारे में बताया तेनादिता स्तुतिगना ये लोग वेद पाठ किया नहीं, कोनो किसी का उपासना नहीं किया, कोई व्रत ग्रहण नहीं किया, गुरुकुल में नहीं किया। तेनादितो तेनाधित स्तुतिगना नूपासित महत्तमः अव्रता तप्त तपस सत्संग्यात्मा उपागतः। और यज्ञ पत्नीगण ये भी बताए यज्ञ पत्नीगणों पत्नीगण के बारे में
जागीक पत्नी गनों का बारे में इनके स्वामी लोग ये भी बताए, क्या बात है, कमाल की बात है। ये लोग तो कभी वेद अध्ययन नहीं किया, गुरुकुल में नहीं गया, कुछ किया ही नहीं, मन तो तन तो कुछ किया नहीं है, वो कैसे हो गया ये लोगों हैं? हम लोग बेकार बन के बैठे हुए। भगवान परात्पर अखिलेश्वर जिनके लिए यज्ञ कर रहा हूं, हम लोग ऐसा अंधा बन गया कि यज्ञेश्वर भगवान स्वयं आया, हम पागल बन गया, ये पागलपंती है। और देखो ये लोगों का, ये लोग कभी गुरुकुल में गया नहीं, वेद पाठ किया नहीं, तपस्या किया नहीं, कुछ नहीं किया, सारे हम लोगों ने किया, लेकिन ये लोगों का देखो भगवान के चरण में क्या स्खलित मति, हैरान की बात है। रघुनाथ दास गोसाई जी का ये उपदेश समझने में समय लगता है, बाहर का आदमी समझेगा नहीं, कितना गहरा विचार बताया, ये समय लगता है। न धर्मम न धर्मम श्रुतिगनो निरुक्तम किलो गुरु, तो फिर क्या करें, रागानु का भजन का बारे में बताए। ब्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्या मिह तनु, लेकिन कोई अगर सहजिया बोले ये तो बता दिया, देखो ब्रज में राधा कृष्ण का सेवा करो, अरे राधा कृष्ण को समझने के लिए गौरंग चरण में शरणागत होना चाहिए, नित्यानंद में, यथा यथा गौर पदार बिंद बिंदे तो भक्ति में कित पुण्य राशि, तथा तथा उत्सर्पत हृदय कस्मात राधा पदाम्बुज सुदाम्बु राशि। भाई राधे राधे बोलने से हो जाएगा है? परम किसी कुछ में बोलते थे एक शिष्य को, हाँ हाँ राधे राधे तुम्हारा ही काम है, तुम तो राधे को प्राप्त कर लिया ना, ऐसा गाली देते थे, तुमको ही राधे बोल, राधे राधे बोला, हाँ हाँ गुरु जी राधे राधे। ये सहजिया का माफिक, वाह प्रभुपाद ये सब सुनने के लिए तैयार नहीं था, केशव महाराज भी कोई नहीं, सीधर महाराज भी। सो ब्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्या मिहो तनु, और साथ साथ क्या बताया, सची सुनुम नंदीश्वर पति सुदत्त गुरुवरम मुकुंद पेशत्य स्म, अर्थात सचिनंदन गौर हरि को नंदीश्वर नंद महाराज का लड़का है ऐसा विचार करके प्रेम के रिश्ता जोड़ लेना। नंद सची सुनम और जो सची पुत्र है वही नंदीश्वर पति सुदत्त गुरुवरम, गुरुवरम मुकुंद पेशत्य, और गुरुवर जो हमारा गुरुपाद पद्म गुरुवर जो, ये मुकुंद पेशत्य स्मरण, ये मुकुंद का अपना आदमी है, जैसा विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने गुरुवाष्टकम में बताया, बताया ना गुरुवाष्टकम में बताया, किंतु पुपुर्ज प्रिय बताया ना, साक्षाधरित्यन समस्त शास्त्री रुक्तस्तता भव्यते वे सद्वी किंतु पुपुर्ज प्रिय वंदे गुरु सिंचा। जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव को मेरे से ज्यादा सा भी कमती मत समझो, न उद्धव अनुपि मन मन नुनो, उद्धव के मेरे से ज्यादा सा भी कम समझो मत, एक है ये भी अचिंत भेदावत गुरुपाद पद्म विश्वनाथ चतुर्थी पद है, किंतु ये भगवान ही गुरु रूप में आए हुए हैं, लेकिन एक बात है, ये बात क्या है, अचिंत भेदावी तत्व के द्वारा संबंधित है, नहीं तो कोई माने नहीं निकालेगा। न धर्मम न अधर्मम श्रुतिगण निरुक्तम किल गुरु, ब्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्या मिह तनु, सचिशोनम नंदीश्वर पति सुतत्वे
गुरुवरं मुकुंदो पिष्टति स्मरो परमजस्रम ननु मनो। भक्तिमती ठाकुर जी ने बताया, कोई अगर ऐसा प्रश्न उठाए पूर्व पक्ष, जैसे वेदांतों में होता है ना, विषय संशय पूर्व पक्ष पर पक्ष उसका भाव, तमाम शास्त्रों का विचार लेकर समाधान। आई बात समझ में? तो भक्तिमती ठाकुर जी ने बड़ा सुंदर विचार किया, पूर्व पक्ष आदमी कोई अगर तर्क उठाए, ये लोग का पहला तर्क है, पहला संशय ये दम्भ, ये दम्भ हम कैसे तय करें, यही तो मेरा प्रॉपर्टी। जैसे गुरुजी मजा करते थे, गुरुजी ये मजा करते थे, वैष्णव हबो छिलो मने वो साध तीना दो भी श्लोक सुनी पूरे गलो बात, ये मजा करते थे। ये दम्भ छोड़ के क्या है, कुछ है ही नहीं। आ दम्भ का व्याख्या भक्तिमती ठाकुर जी ने बताया, क्या बताया, माया। ये जो आपका साधारण डिक्शनरी में नहीं मिलेगा, शब्दकोश जो है इसी में मिलता है ये सब। तो इसमें दम्भ का व्याख्या किया, दम्भ का व्याख्या क्या किया, बोले इसका माया छल अविद्या कपटता असरलता साक्ष्य, ये सारे दम्भ का पर्यवसिक तत्व। जैसे आत्मा रामश्च मुनयो निर्गंथ्य अप्यूरु क्रमे कुर्वन्ति अहेतु किं भक्तिम इत्थम्भूत गुणहरि, या आत्मा रामश्च श्लोक का महापौ जी 61-62 किस्म का व्याख्या किया। ये आत्मा शब्द बोलने से मन भी आता है, धृति बहुत सारे महाप्रभु ने व्याख्या किया। महाप्रभु भगवान है, वो कर सकता है, हम लोगों का बस का काम नहीं है। से ये जो दम्भ है, पहला क्वेश्चन आ रहा है, अरे महाराज सब त्याग कर सके, देखो दम्भ कैसे त्याग करे। अभिमानम परित्यज्यो ब्रुजे वसामि अहम, है अभिमानम परित्यज्यो ब्रुजे वसामि अहम, ये जो श्लोक है बहुत सारे। तो पहला संशय है, दम्भ परित्याग पूर्वक दम्भ छोड़कर कृष्णमूर्ति आश्रय अगर करे, जीवों का जिंदगी कैसे चलेगा, खान पीन उठना बैठना कैसे चल सकता है दम्भ अगर छोड़ गए। धर्मों अधर्मों छोड़कर तो जिंदगी होता ही नहीं, हम लोगों का जीवन तो धर्मों अधर्मों का आधार पर है, तो निर्वाह हो नहीं सकता। तो पहला बात है, पहला संशय है, कृष्ण भक्ति आश्रय करके जीव कैसे जिंदगी गुजर सकता है, उसका गुजर बसर कैसे हो सकता है। धर्मों अधर्मों छोड़कर तो जिंदगी सोचा नहीं जा सकता, जीवों का जीवन यात्रा निर्वाह होना संभव है। सेकेंड डाउट है, जो यदि अगर श्री राधा कृष्ण जुगल भजन स्वीकार किया जाए, तो श्री कृष्ण चैतन्य कौन है, इसको क्यों भला पूछेगा। अगर आप बोल रहे हो कि ब्रजे राधा कृष्ण जुगल का भजन करो, तो बीच में गौरंग महापुर श्री कृष्ण, वो कौन है, कैसा समझेंगे उसको। क्योंकि गौड़ीय भजन में बहुत सारे आदमी मेरे को प्रश्न किया, महाराज हर मठ मठ में राधा कृष्ण का मूर्ति है, उसका साथ गौरंग है, इसका कारण क्या है। वैरस कुछ ऐसा मंदिर भी है मायापुर में जिसमें कोई गौरहरी नहीं है, राधा कृष्ण है। कब हम बोला, देखो गुरुवर्गों से हम लोग सीखा है, गुरु वैष्णव का अनुगत्व में अर्थात गौरंग महाप्रभु का अनुगत्व में हमारा गौड़ीय भजन, हमारा गौड़ीय भजन का राज है, हमारा गौड़ीय भजन का यही राज है, रहस्य है कि गौरंग महाप्रभु का अनुगत्व में। इसलिए यद्यपि चैतन्य चैतन्यमित आदि तमाम श्लोकों में तरह तरह शास्त्रों का विचार है,
वहाँ सारे प्रमाण हैं वेदों में, उपनिषद में, इधर उधर सारे, गौरांग मापो स्वयं भगवान, ठीक है। और गौरांग मापो का अनुगत्य में हमारा गौरी भजन, पहले हमने बताया यथा यथा गौर पदार बिंद बिंदे तभक्ति में कित पुण्य राशि तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्म, यथा है ना, यथा यथा गौर पदार बिंद बिंदे तो भक्ति कित पुण्य राशि तथा तथा उत्सर्पति हृदय अकस्मात राधा पदाम्बुजो सुधाम्बुराश। जैसे जैसे गौरंग महाप्रभु के चरण में आरती बढ़ते चलेगा, मतलब जितना जितना नित्यानंद प्रभु के चरण में आरती बढ़ते चले उतना उतना गौरंग महाप्रभु के चरण में बढ़ते चलेगा, गौरंग महाप्रभु के चरण में उतना ही आरती बढ़ते चलेगा, उतना ही राधा रानी के चरण का जो अनंत आनंदमय जो महिमा, ये उछल पड़ेगा, हृदय में उछलते रहेगा। यथा यथा गौर पदार विंद बिंदे तो भक्तिम कित पुण्य राशि तथा तथा उत्सर्पति हृदय अकस्मात राधा पदम मुझो सुधाम्बु राशि पोदान सस्तकाली स न धर्मम न अधर्मम श्रुतिगण निरुक्तम किल कुरु भजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्जा मिहतनु सची शूनम नंदीश्वरपति सुतत्वे गुरुवरम मुकुंदोपिष्टत्वे स्मरम परमजस्रम ननुमनो। तो सेकंड पहला संशय तो ऐसा है, जीवन कैसा दम्ब छोड़ के वही नहीं सकता, कैसे गुजर बसर हो जाएगा, धर्म अधर्म छोड़ के तो कुछ सोच ही नहीं सकता। राधा कृष्ण जुगल का अगर भजन करने को कहते हो तो श्री कृष्ण चैतन्य कौन है, इसको क्या समझे, इसका अनुगत्य में मैंने बोला। अब तीसरा क्वेश्चन है, इसमें गुरुदेव कौन है, गुरुदेव को कैसे समझा जाए, इसका मीमांसा दिया हुआ है पूर्व पक्ष का, इसका मीमांसा दिया है। मीमांसा के बोला है, देखो मीमांसा के बोला है जे राधा गोविंद जी का जुगल भजन करो, आर सी कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो है इसको समझो कि जो सची सची देवी का लड़का है वही नंद महाराज का लड़का है, वही नंद महाराज का भी लड़का है। तो श्लोकों का डायरेक्ट अर्थ क्या है, ना श्रुतिगणों में जो लिखा हुआ है धर्म अधर्म जो बताया गया है कुछ नहीं करना, श्रुतिगणों में जो अल्टीमेट आउटकम है, व्हाट इज द नेट आउटकम ऑफ ऑल श्रुति वेद, भगवान ने खुद बताया सर्ववेदश्च रहमेव वेद, वेदश्च सर्व रहमेव वेद। श्रुतिगण जो उपदेश दिया ये धर्म अधर्म का बारे में इसका नहीं करना, लेकिन अंत में जो आउटकम है श्रुतिगणों ये राधा गोविंद का, इसका विषय में ही है, ऋग्वेद में है, इधर उधर सब जगह एक ही है। सो आर गुरुदेव को मुकुंद का पृष्ठ आदमी किंतु बुभर्ज प्रिय वत्स्य ऐसा सोचना, काल हो सके तो इसका बारे में और चर्चा करेंगे। तो ये जो है नंदीश्वरपति सुतत्व गुरुवरम सची सूनम, तो धर्मो अधर्मो कुछ नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं करना, इसमें बंधन ही बंधन, धर्म करो अधर्म करो, क्योंकि एब्सोल्यूट धर्म का इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है। जब तक आप एब्सोल्यूट धर्म के बारे में नहीं समझा, नहीं सोचा, नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो आपको पता नहीं चलेगा अधर्म अधर्म, धर्म छोड़ के क्या करे, अधर्म करके क्या करेगा, धर्म अधर्म दोनों में एक भी नहीं करो, ये कौन सी बात है।
ये कौन सी बात है, समझा ही नहीं। बोले देखो ये जो धर्म अधर्म का विषय है नरोत्तम ठाकुर जी ने बताया, क्योंकि धर्म अधर्म में क्या है, पाप पुण्य का रिलेशनशिप है और कुछ नहीं है। धर्म करो तो पुण्य मिलेगा, धर्म नहीं करो तो न्यूट्रल रहोगे तो ये भी खराब है, अधर्म करो तो नरक मिलेगा, पाप पाप होगा। नरोत्तम ठाकुर इसलिए सावधान कर दिया। नरोत्तम ठाकुर जी ने इसलिए सावधान कर दिया, नरोत्तम ठाकुर जी ने बताया देखो एक काम करो, ये काम करो, पुण्य से सुखेर दाम नालोई होतार नाम। आप पुण्य का बारे में सोच रहे हो ना, पुण्य करेंगे हम, आप पुण्य करे क्या करोगे, पुण्य तो भक्ति नहीं है ना, पुण्य करके क्या, ये भी तो बंधन है, पाप जैसे बंधन है पुण्य भी तो बंधन है। पुण्य से सुखेर धाम नालो यथार नाम, पुण्य सुख का धाम है, तुमको स्वर्गों में भेजेगा, या उधर अप्सरा आदि भोग करके आओ, फिर छिने पुण्य मत्तलोकम विशति, फिर नीचे गिरना पड़ेगा, फिर नीचे गिरना पड़ेगा ना, फिर नीचे गिरना पड़ेगा और क्या, तो क्या करोगे फिर, धर्म करोगे कि अधर्म करोगे, कुछ भी कर लो तुम। इसलिए तो गोकर्ण जी बताया, धर्मम भजस्व सततम तजलोक धर्मान शिवस्व सदपुरुषान जो ही काम तुष्णाम है अन्यस्व दोष गुण चिंतनम आश मुक्ता शिवा कथा रसो नितरम पिबोतम। कितना सुंदर बताया, धर्म व अधर्म दोनों का ही कोई काम नहीं, इसलिए वैष्णव लोगों का ये दोनों में किसी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अभी भी इतना हरि कथा सुनने के बाद भी अगर आदमी अपना पर्सनल व्यक्तिगत स्वार्थ लेके कुछ करे तो बड़ा परिताप का विषय है, बड़ा परिताप का विषय है। अभी भी कुछ करे तो इसका अंदर में कोई इंटरेस्ट है, मेरा तबीयत भला हो जाएगा, दाल वितरण करो तबीयत भला हो जाएगा, इसको ये कपड़ा दे दो, सब अन्नाभिलाष है, ये भी तो अन्नाभिलाष है ना। भक्तों भगवान का साथ कभी ऐसा घटिया रिलेशन संबंध नहीं जोड़ना चाहता, भक्त कभी नहीं बता सकता ये हमको बचा लो। ये गीता में ये सब आता है, विश्वनाथ चतुर्वेदी इसका व्याख्या किया है, भक्तन संहिता ने व्याख्या किया, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। अच्छा परित्राम का जो विषय है, क्या भक्तों लोग तो परित्राम नहीं चाहता, तो आप परित्राण क्यों बोला, भक्तों लोग तो परित्राम नहीं चाहता है। विश्वनाथ चतुर्वेदी व्याख्या किया, ये परित्राण का मतलब है कोई जड़ संसार से बीमारी से ये परित्राण नहीं है। जैसे गोजेंद्र जी ने बताया था, भगवान ऐसा मत समझो कि मेरा हाथी शरीर, ऐसा मत समझो कृपा करके, ऐसा मत समझो कि मैं ये हाथी शरीर को बचाने के लिए आपको क्या करूं, ये हाथी शरीर लेके कोई काम का है, कोई काम का तो है नहीं, तो ये हाथी शरीर बचाने के लिए आपको इतना प्रार्थना नहीं किया, मैंने प्रार्थना किया आत्म उद्धार करो, हमारा आत्म उद्धार करो, ये है ना, आत्म उद्धार का प्रसंग है। जितना सारे विषय है इसमें आत्म उद्धार का प्रसंग है। गजेंद्र कभी अपना शरीर को बचाने के लिए वह, तो भक्तों लोग जो परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम जो है, या जो भगवान ने बताया इसका मीनिंग है,
परित्तान भक्त लोगों को परित्तान। अच्छा भक्त लोग तो परित्तम ऑलरेडी है, क्योंकि जो आपका चिंतन करते रहते हैं, जो आपका चरण कमल का, जो आपका चरण कमल का चिंतन करते रहते हैं, उसका क्या बंधन है? तो फिर उद्धार का प्रसंग कहां से आ रहा है? दुनिया भर का कहां से आ रहा है? जब वो लोग चाहता ही नहीं कि हमको उद्धार कर दो, तो कृष्ण भक्तो भगवत भक्तो जहां भी रहे वहां प्रसन्न रहे। विश्वनाथ चतुर्वेदी ने बताया उद्धार का प्रसंग जरूर है, लेकिन यहाँ उद्धार कोई मुसीबत से नहीं है, मुसीबत से कोई नहीं है, क्योंकि मुसीबत है ही नहीं भक्त लोगों की जिंदगी में। तो फिर बोला आपका जो विरह, आपका जो विरह रूप जो यंत्रणा है, आपका जो विरह रूपी जो कष्ट है, दैनार नव निमग्न हम सिचैतन्य बद्धमास, समझा? ये जो रहा नहीं जाए भगवान के अलावा, इस कष्ट से बचाने के लिए बोला। सो वहां जो ये जो भगवान बताया परित्राणायो साधुनाम विनाश है चतुष्कृतम, ये परित्तम मतलब ये ब्रिजिनार नव कष्ट का सागर है। भगवान 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 को भगवान का साथ कोई संबंध अंदर में है बाहर में नहीं, भगवान के विरह ये मीनिंग है, ऐसा बताया। विनाश है से दुष्कृतम, आज जो दुष्कृति को मारने के लिए साधु लोग बोलता नहीं, क्यों? वो लोग दुश्मन समझते ही नहीं किसी को, वो लोग किसी को दुश्मन समझते ही नहीं, तो कैसे बोले विनाश है से दुष्कृतम? ऐसे ही चलते रहेगा विचार। तो ये जो काल हम विचार देख भक्तिमय ठाकुर जी का अनुगत्व में हम लोग देखेंगे, आज तो खैर गुंडीचा मंजिल भी है मांजन, वहाँ हृदय रूपी गुंडीचा का मांजन जरूरी है, यही माने हैं। फिर उसका साथ साथ श्री सच्चिदानंद भक्तिमय ठाकुर का बात भी उठाया, और तिरुभात द्वितीय गदाधर पंडित का तिरुभात, कोई कोई बोलता है काल पंचावन में आज है किसी का, जब ऐसा ही आपस में कोई समाधान नहीं है, आपस में टकरावट है, क्या करें? आज यहाँ तक चर्चा का विश्राम रखे, क्षमा करे। आयुर हरति वै पुंसाम उद्दन्नस्तंच जन्नसु तशर्ते यच्छनु नीतो उत्तम श्लोक वार्तया वाञ्छकल्पतरुष्य कृपासिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमः।